बदतमीज? आप खुद बदतमीज। क्या कहा घटिया? क्या कहा मुझे तुमने? हैं? मुझे कहेगा, मुझे गालियां देगा? अम्मा तुम्हारी शादी के मुतालिक सोच रही हूँ। क्या मेरी शादी? सलमा यहाँ आके बैठो मेरे पास। जी अम्मा। मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। देखो जो बात मैं करने जा रही हूँ हो सकता है तुम्हें बुरी भी लगे, लेकिन इससे पहले कि लोगों की उंगलियां उठे तुमसे कहना बहुत जरूरी है। हम मजीद की शादी करने जा रहे हैं और जब तुम इस घर में हो और उसके निकाह में जा सकते हो पहले तुमसे पूछना बहुत जरूरी है। ना ना ये नहीं हो सकता। मैं कैसे? वो तो नहीं सकता, दुनिया का दस्तूर है। और फिर तो मेरे भाई की निशानी भी तो हो। अम्मा एक दफा आपने मेरी यतीमी पर तरस खाया, उसकी सजा मैंने और मेरी बच्चियों ने भुगत ली। अब दोबारा किसी की जिंदगी में नापसंदीदा हैसियत से वक्त नहीं गुजार सकती। मजीद ने कोई शर्त नहीं रखी, वो जब आएगा तब हम उससे बात कर लेंगे। नहीं अम्मा, आपको आपके भाई के वास्ते मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूंगी। कैसी बातें कर रही हूँ? अरे हम हमेशा जिंदा थोड़ी रहेंगे तुम्हारे लिए। बच्चियों को बाप की जरूरत है। मैं अपनी बच्चियों के लिए माँ और बाप दोनों बन जाऊंगी। वैसे भी मैं मजीद भाई को अपने भाई की तरह समझती हूँ, उनके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? आपने भी तो गुजारी है ना, मैं भी गुजार लूंगी। आप मजीद भाई के लिए किसी और को देखिए, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। मजीद फिर क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? सोचना क्या, इस सोच से भी खौफ आता है कि मैं आमिर के सर पर किसी सुतेली माँ को लाकर बिठा दूँ। और अगर वो सुतेली माँ अपने ही घर से हो तो फिर? क्या मतलब? मैं सलमा भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। लाहौल वाला कुंवर, ये किस तरह की बातें कर रही है? अरे वो नजीब की बीवी से ज्यादा मेरी बहनों की तरह है, प्लीज ऐसी बातें मत करें। क्या हो गया? भाभी है हमारी, वो भी बेवा। और अगर घर की बात घर में रह जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। हरगिज नहीं, कहीं आप लोगों ने उनसे बात तो नहीं कर दी? नहीं, वो अम्मा कह रही थी शायद कर ली हो। एक तो मेरा पूरा खानदान बड़ा जज्बाती है, क्या सोचेंगी मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं अम्मा को मना कर दूंगी। नहीं नहीं, उनसे कहें आप बात ना करें, मैं सलमा भाभी से खुद बात कर लूंगा। प्लीज कर दिया तुमने, मैंने अभी ये झाड़ के चादर लगाई थी। बताओ तुम्हारी माँ को कहाँ है? तुम्हारी माँ क्यों छोड़ जाती है तुम्हें यहाँ मेरे सर पे? कान छोड़े मामी, दर्द हो रही है। तमीज तो सिखाई नहीं है और मेरे सर पे छोड़ जाती है रोज। दर्द हो रही है मामी। बहुत अच्छी बात है, और दर्द होगी।
इस तरह करते कि तुम्हें याद रहे कि जब मामी ने बिछाई ये चादर तो तुम आके इसको तबाह मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। नाक में दम कर दिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। मैं अम्मा को बुलाती हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। जी। अम्मा ने आपसे मेरे और आपके मुतालिक कोई बात तो नहीं की? हाँ जी की है। अम्मा ने आपके और मेरे रिश्ते की जो बात की है, मैं तो इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और आप? और किसने? अरे मैं आपको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ, और नजीब के साथ जो आपका रिश्ता है उसके नाते मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मेरे दिल में भी आपके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। जैसे तैसे वक्त गुजर ही जाएगा। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, फिर भी आप मेरी बहन हैं, ये बच्चे मेरे भाई के बच्चे हैं। किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो मैं हर महीने वो भी पूरी करूंगा और ख़र्चा भी भेज दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटे हैं, अगर अम्मा की ज़िम्मेदारी लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बच्चों के लिए नजीब बहुत कुछ छोड़ गए हैं। काफ़ी सारी जायदाद बेचकर मैंने उनके कर्ज़े अदा कर दिए हैं। अब ये घर और दुकान बचे हैं, जैसे तैसे हम गुजारा कर लेंगे, अल्लाह मालिक। अरे अल्लाह का बंदा, उसने इतनी टेंशनें पाली अपने लिए, अपनी अबाई चीज़ें बेचने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे कहता मैं भाई था उसका। खैर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको इस भाई की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकते। मैं अम्मा से मिलूं। अल्लाह तेरा शुक्र। तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगी ना, तुझे याद रहेगा। उठ उठ, मुझे गाली देगा, मुझे सिखाएगा, बदतमीज घटिया, दो कौड़ी का लड़का, मुझे बताएगा। माफी मांगो। नहीं मांगोगे? माँ से जिद करोगे? माफी मांगो। मैंने क्या कहा? माफी मांगो। चलो। कैसे होगा? तुमने बाजा लिया है? सच सच बताओ मुझे, सच बताओ। क्या किया? वो पैसे तुमने चुराए थे? चुराए थे? इतनी मुझे चोरी करोगे? अरे अम्मा, आपको खाना नहीं मिला अभी तक? रशीदा, खाना लेकर आओ। उसे पकाने दे, मुझे भी भूख नहीं है बेटा। ये बताओ अब करें क्या? आप रशीदा से कहे ना कि वो मुजीद से बात करे। कर चुकी है बात, नहीं मानता, उसने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजीद से बात करो, तुम बहनों ही हो उसके, हमारी बात को नहीं टालेगा। मजीद दुबई में था तो मुझसे फ़ोन पर बात किया करता था। नजीब के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और खामोश भी रहता है। मैं तो चाहती थी सलमा से शादी कर लेता ना, तो घर की बात घर में रह जाती, लेकिन वो मुनीरा बेचारी तो अभी बेवा हुई है, उसी से मजीद निकाह कर ले। तजवीज़ तो बहुत अच्छी है और खैर की बात है। देखो ना, मजीद का भी एक ही बेटा है, मुनीरा का भी एक ही बेटा है, दोनों का जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं मजीद को समझाता हूँ। हाँ, मजीद अगर मान गया ना तो रशीदा सरदार की बड़ी पक्की सहेली है, उसको आराम से मना लेगी। जैसा आपका हुक्म माजी, आप बुजुर्ग हैं हमारे ख़ानदान की, आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह पाक खैर करे। सरदार भाई, अगर सलीम भाई बुरा ना मनाए
तो मैं अपने भाई का रिश्ता मुनीरा के लिए लाना चाहती हूँ। तुम्हारा भाई? हाँ हाँ, वो मजीद भाई जो दुबई में थे। अच्छा अच्छा। असल में ना उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, एक छोटा बेटा है आमिर, उसी की वजह से शादी करना चाहती हूँ। रशीदा, इस आमिर की उम्र क्या है? यही अपने आसिफ के बराबर है। देखो ना, अब आमिर को भी तो माँ की ज़रूरत है ना। वैसे तुम्हें बताऊँ, मजीद भाई अब मुस्तकिल पाकिस्तानी आ गए हैं। सलीम भाई को बता देना, मेरा भाई तो बहुत पहले ही दुबई चला गया था ना, वहाँ माशाल्लाह खूब कमाया उसने, अब तो बिरादरी में सबसे अमीर तरीन आदमी है भाई। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कोठी है उसकी। देखो ना, अगर मुनीरा यहीं पड़ी रही तो घर कितना तंग पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए जगह कहाँ बचेगी? सोचो। रशीदा, कहती तो तुम ठीक हो, जब से ये मुनीरा घर आई है ना, मेरा भी हाथ तंग पड़ गया। इतनी मुश्किल होती है घर चलाना। आज सलीम घर आते ना तो मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ। सलीम भाई को मनाना तुम्हारा काम है। इंशाल्लाह। रात गई, बात गई, आपने तो दिल पे ले ली। तुम्हारे लेकिन आसान है। मुनीरा के दिल पे क्या गुजरी होगी? ना माँ है हमारी, ना बाप है, मेरे अलावा और है कौन? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? देखिए, मैंने गुस्से में कह दिया जो कहना था, हो जाती है गलती इंसान से, अब जाने भी दें, माफ़ कर दें। प्लीज़ आइंदा एहतियात करना, ऐसी कोई बात ना कहना दोबारा। अच्छा सुने, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बुरा मानने वाली बात हुई तो ज़रूर मानूंगा। रिश्ता आया है मुनीरा का। अब इस बात का क्या मतलब? ये कहने का ये मतलब है कि मेरी दोस्त है ना रशीदा, उसके भाई मजीद का रिश्ता है। देखिए, इतना टाइम गुजार के आया है दुबई में, ढेर सारे पैसे कमा के लाया है, बड़े से बंगले में रहते हैं, उसकी बीवी भी फौत हो गई है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका भी एक ही बेटा है, ये अपने आसिफ जितना, और ये लोग आसिफ को रखने के लिए भी तैयार हो गए। क्या कहते हैं आप? मेरा मान जाएगी? देखें, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रशीदा से बात कर लेती हूँ और आप मुनीरा से कर लें। तूने तमाशा ना किया तो मैं सीधा जाके उससे बात कर लेता। उसको लगेगा कि हम निकालना चाहते हैं इस घर से इसको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन है मुनीरा, घरों में ऐसी हजारों बातें हो जाती हैं, उसको दिल पर तो नहीं लेते ना सलीम? थोड़ा वक्त तो मुझे सोचने के लिए, मैं सोचता हूँ कैसे बात करूँ उससे। हाँ ठीक है। छोड़ो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं मंगवा के रखे हुए मैंने नवाब साहब। एक लेने देना मामी, बहुत दिल कर रहा है केला खाने का। बड़ा दिल चाह रहा है, ये आसिम के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। पता नहीं कहां से आ जाता है भूखा कहीं का। निकलो यहां से, चलो। मुनीरा, मुझे जरा बात सुनना। जी भाई। ओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी। दरअसल बात यह है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने कल आपकी और भाभी की बातें सुन ली थी। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने?
मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं। तो मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल फैसला है और इस फैसले के लिए वक्त भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम सोच लो, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, दोबारा शायद। आप मुझसे जितनी बार भी पूछेंगे मेरा जवाब ना ही होगा भाई, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। सोफिया छोड़ दो मेरी जान, मैं कह रही छोड़ दो। क्यों मेरा सर खाए जा रही हो? मैं थप्पड़ दूंगी तुम्हें। जब एक दफा मना कर दिया तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ले सकते, एक अच्छा स्मार्टफोन ले दे। सोफिया क्या हुआ अम्मी, अब कौन सी नई फरमाइश आ गई है? इसी से पूछो, पता नहीं कौन से स्कूल में इसको मैंने दाखिल करवा दिया है। सब बिगड़े बाप की औलादें आती हैं वहाँ पे, सिवाय पढ़ाई के ना सब कुछ होता है वहाँ पे। आज इन्हें ये खरीद लिया है, कल किसी के यहाँ पार्टी है, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। तो क्यों नहीं लेके दे सकती, मैं समीना के घर की फोटो कहाँ देखूंगी? समीना के घर की तस्वीरें देखने के लिए मैं तुम्हें टैबलेट नहीं दिलवा सकती। मुझे चाहिए। पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, मैं तुम्हें नहीं दिलवा सकती, क्यों नहीं समझ रही? मैं तायब उसे कहती हूँ, वो मुझे खरीद के दे देंगे। खबरदार को तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मार मार के ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हो गया अम्मी, इसके लिए अपने आप को क्यों परेशान कर रही हैं? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्या जिद कर रही है ये? इसी से ही पूछे, दिमाग खराब कर दिया इसने। हाय हाय, भाई मेरी बच्ची क्या बात है? दादी मुझे टैबलेट चाहिए, ना ये खुद लेके दे रही है, ना ताया मुझे लेने दे रही है। ओ मेरी चंदा और मेरा बच्चा। अरे इतनी सी टैबलेट के लिए ताया अबू के पास जाने की क्या जरूरत है, हैं? तो बाजार से मिल जाएगी। ये ले, ये तुम पैसे लो, जाके ले आओ। दादी मुझे असली टैबलेट चाहिए। तो क्या अब जाली दवाइयाँ भी आ रही हैं? पापा तुम इनको बताओ। दादी ये वो नहीं कह रही जो आप समझ रही हैं। ये कह छोड़ो शाइस्ता, चुप कर जाओ। अम्मा आप ही किसकी बातों में आ रही, जाओ सोबिया जाके कपड़े बदलो, मैं खाना लगा रही हूँ। बाहर इतनी धूप है और अंदर इसने अपने तमाशे लगाए हुए। जब एक दफा मैंने मना कर दिया है तो मना कर दिया है, समझ जाओ। मेरी बच्ची मुझे बता क्या चाहिए तुझे, मुझे बता। दादी जो इसे चाहिए ना वो 10-20 हज़ार से कम में नहीं आएगा। हाँ ठीक, नाराज हो रही है तुम्हारी माँ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? हाँ, इसे क्या हुआ? दादी कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगी। मैं क्या सोच रही थी और ये क्या कह रही है, 10-20 हज़ार रुपए? ये क्या कर दिया बाजी, क्यों इनकार कर दिया रिश्ते से? ये तुम कह रही हो शाकर? हाँ क्योंकि मैं भाभी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। भाभी की वजह से मैं अपने और मुनीर के रिश्ते में खयानत नहीं कर सकती। ये रिश्ते में खयानत नहीं है बाजी, मुनीर भाई आपको हमेशा से खुश देखना चाहते थे, इस घर से निकलने की एक उम्मीद है। मुझसे नहीं होगा, मैं मुनीर को जहन से और दिल से नहीं निकाल सकती। ना निकालें जहन से, लेकिन फैसला आज नहीं तो कल करना ही है। आसिफ के बारे में सोचें, क्या एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी पर इसका हक नहीं है? मुझसे नहीं होगा, मैं इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। ये रिश्ता जायज है बाजी, और फिर अल्लाह की तरफ से भी। बस कह दिया ना मैंने, नहीं करनी मुझे शादी वादी, तुम जाके अपने घर को देखो पहले। उमर यार खुदा के बंदे इतनी धूप है यार, जल्दी से पानी ला दे यार, बड़ी मेहरबानी तेरी यार। उठा उठा उठा। अबे ओ अच्छा
तो वो तू है जो रोजाना मेरी रेड़ी से फल चुरा के लेके जाता है। नहीं मैं नहीं हूँ, बाकी बच्चे चुराते हैं, मैं तो आज ही। आज ही के बच्चे, आज मैं तुझे तेरे सर के पास लेके जाऊंगा। नहीं अंकल, नहीं अंकल। वही तुमसे पूछेंगे बेटा, चल चल चल। शाबाश, अच्छी तरह चमकाओ। मासी और हमारे काम में कुछ फर्क तो नजर आना चाहिए ना। आप इतनी जल्दी कैसे? मिया किधर? वो सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, तुम ये क्या कर रही हो? मैं वो हाँ वो फारिग बैठी थी तो सोचा सफाई कर लूँ कुछ। अच्छा तुम चलो जरा मेरे साथ जल्दी। कहाँ जाना है? वो आसिफ के स्कूल से फोन आया था, उन्होंने बुलाया। या अल्लाह, सब सब ठीक तो है? हाँ हाँ सही। बच्चा है, कोई गुल खिला दिया होगा, परेशान होने की बात नहीं है। भाई बताए ना, आसिफ ठीक तो है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही उन्होंने बुलाया है तो मैं यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हें लेता जाऊंगा। माँ होना साथ, चलो चलो आ जाओ जल्दी साहब। जल्दी चले। शाबाश, हाँ जाओ भाई के साथ। वो मजीद के रिश्ते की बात का क्या बना, कहाँ तक पहुंची बात? अम्मा इसीलिए तो आई हूँ मैं। मैंने सरदार से बात कर दी है। लो उससे क्यों बात की तुमने? क्यों तो और क्या, वो क्यों चाहेगी कि उसके घर से काम करने वाला, सुकून देने वाला चला जाए? नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, जब खर्चे ज्यादा बढ़ जाए ना तो फिर इंसान उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। पता नहीं अब मीरा क्या सोचेगी। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती उससे? नहीं अम्मा, पहले सरदार को जवाब दे लेने दें, फिर सोचेंगे क्या करना है। क्यों? वैसे भाभी सोबिया मेरे घर आने को बिल्कुल तैयार है। हाँ लेकिन पहले तुम उसका घर समीना जैसा बना लो, फिर सोचना। हाँ भाई, बड़ी बड़ी फरमाइशें हैं उसकी। अल्लाह पूरी करने वाली जात है अम्मा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ, वरना तो ये हलक से निकलवा लेगी। आपके बच्चे ने चोरी की है और ये कोई मामूली बात नहीं है। चोरी? जी आज पहली बार ये पकड़ा गया है, न जाने कब से ये हरकत कर रहा है। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आसिफ तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये चोरी नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। देखिए बीबी, अगर वालदैन अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे और सारी जिम्मेदारी उस्ताद पे डाल देंगे तो हम एक अच्छा माशरा कभी नहीं बन सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरे बच्चे ने चोरी की है, क्या करूं? अब देखिए जी, बच्चा है, गलती होगी उससे, आइंदा नहीं करेगा, हम समझाएंगे इसे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम देखते हैं। जनाब हम एक मिसाली इदारा है, हम ऐसे बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, मजबूरन मुझे इसका नाम खारिज करना पड़ेगा। नहीं 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 प्रिंसिपल साहब। देखिए जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा इदारा है आपका, आपसे गुजारिश है प्लीज़, कुछ घरेलू परेशानियाँ शायद उनकी वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए इस पर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम ख्याल रखेंगे इसका, प्लीज़ एक मौका दे दें इसको। ठीक है, आप दोनों की खातिर मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा मैं लिहाज नहीं करूँगा, बेहतर है आप इसे ले जाएं और समझाएं। जी जी बहुत शुक्रिया सर। आसिफ तुमने ऐसा किया क्यों बेटा? बहुत भूख लग रही थी मामा। मुनीरा घर चल के बात करते हैं। बेटा इसी को तो चोरी कहते हैं, आप पूछ लेते किसी से, मांग लेते, उधार ले लेते। चलो कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करना, घर जाके समझाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, चलो आओ आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? यश मिस प्रिंटिंग है या कुछ और? मैं बता दूं? तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। अच्छा अच्छा पढ़ रही हूँ मैं तो, सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी, अगर आपका नहीं दिल चाह रहा तो। अच्छा तुम्हें समझ आ रहा है सर? सोबिया
सोफिया जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे चलो तो सही, एक बड़े मजे की चीज आई है। क्या आया है ताहिर, बताओ। अरे तुम चलो, सरप्राइज है। चल। अच्छा खासा पढ़ रही थी, आगे तुम इसको उठाने के लिए हो गई पढ़ाई। आप आ रही हूँ। सोफिया रुको तो, सोफिया। करो मैं तुम्हारे लिए, यहां तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ए मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत अदा कर दे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? कैसा है? अच्छा है। कितने का है? पता नहीं लेकिन महंगा है। मुझे भी ऐसा लैपटॉप चाहिए। चाहिए क्यों, इसको तुम अपना ही समझो, जब दिल करे आ जाना। अब मैं बार बार तो नहीं आऊंगी ना तुम्हारे घर। क्यों, तुम्हें कौन रोकेगा? अम्मी और आपा मुझे बार बार नहीं आने देंगे। अब तो मामी से ये ना कहना कि तुम्हें भी लैपटॉप लेके दें। वाह भाई, क्यों, तुम्हें भी तो चित कर लैपटॉप मिलाए ना, देखना मैं भी अम्मी को कहूंगी। सोफिया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम देखना, मैं अम्मी को कहूंगी, वो मुझे लाकर देंगी। कहाँ जा रही हो सोफिया? घर। सोफिया क्या हो गया, बात तो सुनो, बैठो यहाँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अबू हैं, मेरे अबू नहीं हैं, तो मुझे कोई चीज नहीं मिलेगी। देखना मैं अपनी अम्मी को कहूंगी, वो मुझे इससे भी अच्छा नया लैपटॉप लेकर देंगी। सोफिया मैं नहीं आ रही। मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। रशीदा आपा, मैं अपना जवाब पहले ही भाई को बता चुकी हूँ। हाँ तो तुम्हारा जवाब ना तो मुझे मुनासिब लगा है और ना ही मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए वो सही है। तुम्हारा जवाब सुनने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। आप मेरे लिहाज से भी तो सोचे ना, मैं कैसे तुम्हारे लिए तो सोच रही हूँ। आसिफ को बाप के प्यार की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हैं आप रशीदा आपा, कोई और शख्स मेरे बेटे को बाप का प्यार कैसे दे सकता है? आसिफ को बाप के प्यार के साथ उसकी मौजूदगी के एहसास की जरूरत है। तुम तो अपनी जिंदगी गुजार लोगी और अगर आसिफ की जो छोटी छोटी जरूरियात हैं ये पूरी हो जाएं, तो उसकी शख्सियत सवर नहीं जाएगी। पहले मेरी बात सुन लो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा भाई तुम्हारे बेटे की बाप की जगह पूरी कर सकता है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आसिफ को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सोचो मनीरा, तुम्हारा अपना घर होगा, अपना। आसिफ बेहतरीन तालीम हासिल करेगा, बेहतरीन नौकरी उसको मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारे बेटे की। बस अभी फैसला तुमको करना है कि तुम यहाँ पर सरदार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो या अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हो। देखो किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रही है, बस उसको अपने बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है। वैसे तो लड़कियों की भी कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें देख के मुझे यूं लगता है कि तुम उसकी जिंदगी सवार दोगी। अम्मी, अरे देख के अभी मुझे सुई चुभ जाती, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सोफिया, सोफिया क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? मम्मी अब बोलिए तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। किसने कहा तुमसे? लोग कहते हैं और आप भी तो यही कहती हैं। मैंने आपसे टैब मांगा था, आपने मुझे नहीं लेके दिया, और देखिए ताहिर के पास न्यू लैपटॉप है। बच्चे वो तो पापा ऑफिस के काम के लिए ऑफिस से लाए हैं ना। नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे न्यू टैब लेके देंगी। सोफिया मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूँगी बेटे जो मैं पूरा ना कर सकूँ। चलो जाओ, जाके अपना होमवर्क करो, जिद्दी करते जाओ, शाबाश। वैसे बड़ी बुरी बात है ये। सोफिया? क्या सोफिया?
तेरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए दे रहे हो जितने गम तुम पे आसिफ को बाप के प्यार के साथ उसकी मौजूदगी के एहसास की जरूरत है जो तुम ना मिले काश खत्म हो जाए। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा भाई तुम्हारे बेटे के बाप की जगह पूरी कर सकता है लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ आसिफ को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आसिफ दिल दिया और मिल गया धोखा खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया मुझको मेरे दिल ने रोका दिल दिया और मिल गया धोखा खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया। आपकी पसंदीदा सेब लेके आई हूँ आज खाए ना देखे चे। मुनीरा हाँ जी खैरियत जी वो हाँ बोलो कोई काम मुनीरा भाई भाभी मैंने आप दोनों से कुछ कहना था। हाँ मुनीरा बताओ क्या बात है। हाँ हाँ बोलो ना आप दोनों जहां बेहतर समझे मेरी शादी कर दे। मुनीरा मुनीरा सरदार तुमने कुछ खाया से? नहीं जी मैंने क्या कहना है फिर इससे क्या हुआ अचानक ये तो नहीं पता लेकिन शुक्र है आखिरकार कोई फैसला तो किया बहुत अच्छी बात है आपको भी बहुत मुबारक हो मैं रशीदा को बता के आती हूँ आप खेल गए ना अच्छा परसों जुमा है तो जुमे को निकाह कर देते बिल्कुल ठीक है अम्मा ये हमने उनसे कौन सा कुछ लेना है। अम्मा वैसे मुनीरा भी चाहती है कि सब कुछ बहुत ही सादगी से हो। हाँ हमने भी कौन सी शोशा करनी है बस मौलवी और गवाहों को ले जाएंगे निकाह करवा देंगे बिल्कुल ठीक। तुमने मजीद से बात की? अभी नहीं की तो मैं कर लूंगी। हाँ जरूर कर लो। ठीक है अम्मा कर लूंगी जा। अपना ख्याल रखना और दवा टाइम पे खानी है। खा लूंगी खैर से जाओ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखें बाजी जब अम्मा को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे क्या इतराज़ हो। भाई अम्मा ने सब कुछ खुद तय किया है। जैसा अम्मा का हुक्म वो सर आँखों का। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है बाजी। हाँ हाँ कहो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए बल्कि शादी का जोड़ा भी हम खुद ही बना देंगे। अम्मा तो पहले ही कह रही थी कि हमने उनसे कुछ नहीं लेना जैसा तुम कहोगे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ और बल्कि अम्मा ये भी कह रही थी कि आमिर को मैं दो दिन के लिए अपने पास ले आऊं। इसका ख्याल रखिएगा। भाई ये भी कोई कहने की बात है मैं अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगी वैसे भी मुझे बहुत प्यारा लगता है वो। और हाँ मैंने वो सरदार को भी कह दिया है कि आसिफ को दो दिन के लिए वो अपने पास रखे उसके बाद फिर इन बच्चों को मिलवा देंगे। जैसा आप लोग मुनासिब समझे। अरे भाई खुशी का मौका है मुस्कुरा दो। भाईजान मुस्कुराहट तो होठों पर उस वक्त आएगी जब मैं उसका रवैया अपने बेटे के साथ अच्छा देखूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुनीरा बहुत अच्छी औरत है तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह। बाजी किन सोचों में गुम है क्या हो गया है आपको? कितनी जल्दी मैंने मुनीर को बुला दिया
वो भी यही सोचता होगा ना, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी इस शादी के लिए हाँ ना करती। मैंने ये फैसला सिर्फ आसिफ के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है। ये लोग मेरे बच्चे को जिंदा नहीं रहने देंगे। किसी को एहसास ही नहीं कि वो बच्चा अभी यतीम हुआ है। ना बुरा सलूक है सबका उसके साथ, घर बाहर स्कूल हर जगह धुतकारते हैं उसको। अगर अगर मैं उसको वो सब कुछ दे सकती ना जो मुनीर ने उसको दिया था, मैं कभी भी शादी ना करती। मैं जानती हूँ आपने ये फैसला बहुत मुश्किल से किया है। देखिएगा आसिफ की सारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी। अब आपके पास वक्त होगा तो उसको ढेर सारी तवज्जो दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा करम करेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।